राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनीज मसाला किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता रसाजे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम 2 कटोरी बेसन ऐड करेंगे। बेसन लेंगे, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच हमने मिर्च ली हुई है, लाल मिर्च पाउडर, घर की कुटी हुई मिर्च है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब हमने नमक लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसे बेसन को घोल लेंगे। इसका हमें बैटर तैयार करना है। ये देखिए, हमने बेसन को घोल लिया है। जिस कटोरी से हमने बेसन नापा था उसी से हमने इसमें 2 कटोरी बेसन लिया था, तो इसमें हमने 3 कटोरी पानी ऐड किया है। गैस पर हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम जो हमने बैटर तैयार किया था, अब हम उसे बिना कुछ डाले, बिना ऑयल के इसको इस कढ़ाई में डाल देंगे। और अब हमें इसे लगातार चलाना है जिससे नीचे चिपके नहीं। गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। इसे हमें लगातार चलाना है क्योंकि बेसन नीचे जाके चिपकने लगता है। ये देखिए, हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है। इसे थोड़ा और पकाएंगे, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसे गैस से उतार लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब ये रसाजे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे थाली में सेट कर देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने एक थाली ली है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इस ऑयल को पूरी थाली में अच्छे से लगा देंगे। इसे हमें पहले से ही करके रखना है। अब हमने जो थाली ली थी जिसमें हमने ऑयल लगाया था, उसमें हम इसे सेट कर देंगे, अच्छे से जमा देंगे। हाथों में तेल लगाकर हम इसे अच्छे से सेट करेंगे जिससे ये चिपके ना हाथों में, और अच्छे से सेट हो जाए ऊपर से बढ़िया। देखिए, ऊपर से अच्छा एक सा हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए जमने के लिए रख देंगे। जब यह जम जाएगा अच्छे से, तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो जमाया था ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने कटिंग कर लिए हैं सारे। इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारे कट कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे।
इन्हें तलने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल दिया है। हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है, इसे हम चेक कर लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, हाई फ्लेम में हम इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब हम इन्हें पलटा देंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन कलर हो गया है इनका डार्क। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे जितने बचे हुए हैं इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हाई ही रखना है। देखिए हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, जिसमें और भी लजीज लगे। ये देखिए इसे हम हरी मिर्च के साथ, इसे आप सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है, ये बच्चे से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज रख लिया। ये देखिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इन्हें आप सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। और ये कच्चा प्याज रखा हुआ है हमने, ये भी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मेरे यहाँ के बच्चे तो इन्हें बहुत शौक़ से खाते हैं। इन्हें आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इनकी आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इनकी सब्ज़ी बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी उस रेसिपी को। अभी मैंने इन्हें नाश्ते के लिए बनाया है, तो अभी नाश्ते के लिए इंजॉय करेंगे। ये देखिए एक मैं आपको यहाँ तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। ये देखिए है ना बहुत ही स्वादिष्ट। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।